इंदौर में तितलियों के लिए तीन पार्क तैयार किए जा रहे हैं। एक पार्क सिरपुर तालाब के यहाँ, एक मल्हार आश्रम में और एक पार्क राला मंडल एंट्री गेट के पास तैयार किया जा रहा है। इंदौर में तितलियों के लिए यह पार्क तैयार करने का मकसद बायोडाइवर्सिटी बढ़ाना है। मल्हार आश्रम में 2 एकड़ में पार्क तैयार हो रहा है, जो नगर निगम NGO वाइल्ड वेंचर्स के साथ मिलकर तैयार कर रहा है। इसी तरह सिरपुर में यह पार्क लगभग 1.5 एकड़ जमीन पर NGO नेचर वॉलंटियर्स तैयार कर रहा है, जबकि वन विभाग राला मंडल में 2 एकड़ जमीन पर यह पार्क तैयार कर रहा है। इंदौर के अलग अलग क्षेत्र में तैयार हो रहे इन पार्कों में तितलियों को आकर्षित करने वाले पौधे लगाए जा रहे हैं। अहिल्या आश्रम में जहां मियावाकी पद्धति से प्लांटेशन किया जा रहा है, तो वहीं राला मंडल और सिरपुर के यहां पर बेलपत्र, नींबू, मीठी नीम, राखी बेल, गासा पत्थर चट्टा, संतरा, गेंदा, लेटाना, इकजोरा, कृष्ण कमल, कासमास, सूरजमुखी, दूध मोगरा, अशोक मधुगामिनी, कैलिडेंटा जैसे पौधे लगाए जा रहे हैं। द नेचर वॉलंटियर्स के भालू मुंडे ने बताया कि पार्क बारिश के बाद शुरू हो जाएगा, जहां पर सितंबर अक्टूबर माह से तितलियां दिखना शुरू हो जाएंगी, जो कि फरवरी माह तक यहीं पर रहेंगी। होलकर साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हर्ष विश्वकर्मा ने बताया कि उन्होंने पिछले 6 माह में ऐसी 4 प्रजातियों की तितली देखी है, जो कि इंदौर के 200 किलोमीटर के एरिया में कभी नहीं देखी गई है। हर्ष ने बताया कि होलकर साइंस कॉलेज में उन्हें लार्ज ब्लू एंगल्ड पायरेट, ग्रिजल्ड स्कीपर और रापाला ईयरबस तितली देखी गई है। इनके अलावा इंदौर में पिकॉक, पेंसी, कॉमन जे, राउंडेड पैरट, कॉमन सिल्वर लाइन, स्पॉटेड पैरट, क्रिम्सन रोज, पायोनियर और लेमन पेंसी जैसी प्रजाति की तितलियां भी देखी गई हैं। इंदौर में होलकर साइंस कॉलेज हर 2 से 3 साल में तितलियों की गणना करता है, जिसके अनुसार इंदौर में पिछले 8 साल में तितलियों की संख्या दोगुनी हो गई है। इंदौर में 2014 में 37 प्रकार की तितली देखी गई थी, जिसके बाद 2016 में 47, 2020 में 51 प्रजाति की तितलियां देखी गई हैं। वहीं अभी 9 माह पहले यानी 2021-22 में 67 प्रकार की तितलियां देखी गई हैं। वन विभाग की मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 तक देश में तितलियों की 1318 प्रजातियां थी, जो अब बढ़कर 1327 हो गई हैं। वहीं इंदौर में लगभग 80 प्रजातियां देखी गई हैं। बायोडाइवर्सिटी में भोपाल को नंबर 1 बनाने की भोपाल की रामसर साइट भोज वेटलैंड में तितलियों की गणना की जाएगी। यह देश की पहली रामसर साइट है जहां पर यह गणना की जा रही है, जिसे देखते हुए होलकर साइंस कॉलेज और तितली विषय पर ही PhD कर रही ग्रीष्मा त्रिवेदी ने तय किया है कि वह भी इंदौर में तितलियों की गणना शुरू करेंगे। यह गणना कॉलेज, ग्रीष्मा और NGO वाइल्ड वॉलंटियर्स मिलकर इंदौर के 5 स्थानों पर जाकर करेंगे। यह गणना होलकर साइंस कॉलेज, सिरपुर तालाब, राला मंडल, जामली और चोरल रीजन में गणना की जाएगी।